तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी दिवाली की सफाई में बहुत सारे खाली पाउडर के डब्बे निकले हैं तो प्लीज़ उन्हें मत फेंकिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ खाली पाउडर के डब्बों से एक दिवाली डेकोरेशन लाइट। और फ्रेंड्स, ये जो लाइट है वो काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, दिवाली डेकोरेशन लाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी कुछ इस तरीके की 8mm की LEDs की। फ्रेंड्स, ये मैंने पुरानी जो हमारी झालर ख़राब हो जाती है उसमें से मैंने ये निकाली है, और देख सकते हो जो इसका कैप है उसके साथ ही मैंने निकाली है। ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है, मतलब इसको खोलकर आप सिंपली इसमें कनेक्शन कर सकते हो। तो ये देख सकते हो मैंने सिंपली 8 LEDs निकाल ली है। फिर फ्रेंड्स, हमको जरूरत पड़ेगी कुछ इस तरीके की खाली पाउडर के डब्बे की। फ्रेंड्स, आप ज़रूरी नहीं कि पाउडर का डब्बा ही लो, आप कोई और बॉक्स भी ले सकते हो। देख सकते हो मैंने ये दो तरीके के लिए है, ये मतलब जो चार है वो छोटे है और जो ये चार है वो बड़े है। तो हम सिंपली इसको एक बड़ा और एक छोटा करके इसको हम लगाएंगे। तो हम इनको कहाँ लगाएंगे आपको आगे वीडियो में पता पड़ जाएगा। सिंपली फ्रेंड्स, हमको अब सबसे पहले हमको इसके कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो देख सकते हो सिंपली मैंने ये वायर ले ली है और सिंपली हमने LEDs ले ली है। तो चलिए इसके हम कनेक्शन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप कनेक्शन सीरीज वाइज भी कर सकते हो, बट फ्रेंड्स हम कनेक्शन पैरेलल वाइज करेंगे। तो देख सकते हो सिंपली हमने कुछ इस तरीके से इसको खोल लिया है। दोनों वायर आपको इसमें जोड़ लेने हैं और ऐसे ही करते करते आपको सारी LEDs में वही दोनों वायर आपको जोड़ते हुए चलना है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको सिंपली वायर को जो हमारा कैप है उसके अंदर से निकालते हुए लगाना है। सिंपली फ्रेंड्स, हम इसके पहले कनेक्शन कर देते हैं फिर आपको बताते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमको इसके कैप निकालने पड़ेंगे। तो चलिए इसके कैप निकाल कर हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने पूरे कनेक्शन नहीं बताया, मैंने सिंपली इसके कनेक्शन कर लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके हमने कनेक्शन कैसे करा है। ये देख सकते हो मैंने दो कलर की सिंपली वायर ली है। जो रेड वाला वायर है उसको हमने नेगेटिव में लगाया है और जो येलो वाला वायर है उसको हमने पॉजिटिव में लगाया है। और दोनों वायर को कुछ इस तरीके से आपको निकाल लेना है और जो कैप में से चारों वायर आपको कुछ इस तरीके से निकालते हुए सारी LEDs में लगा लेना है, मतलब पैरेलल कनेक्शन कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने सारे कनेक्शन कर लिए हैं। फ्रेंड्स, पैरेलल कनेक्शन करने का एक फ़ायदा है कि इसमें कोई सी भी जो LED है वो अगर ख़राब होती है तो आपकी सारी LEDs बंद नहीं होगी, और सीरीज में अगर आपकी कोई सी भी एक LED ख़राब हो जाती है तो आपकी सारी LEDs बंद हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमको क्या करना है, हमने देख सकते हो सिंपली पाउडर के बॉक्स ले लिए है। अब सिंपली हमको LEDs को इसके पाउडर के बॉक्स पर लगाना है। तो ये हम कैसे लगाएंगे, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमको सिंपली इसके पाउडर के जो बॉक्स है उसके ढक्कन पर कुछ इस तरीके से होल कर लेना है और सिंपली हमको इसमें जो हमारी जो LEDs है वो उसको कुछ इस तरीके से लगा लेनी है। चलिए मैं इन सारी LEDs को कुछ इस तरीके से लगा लेता हूँ। ये देखिए, ये फ्रेंड्स हम शोल्डरिंग आयरन से मतलब होल कर रहे हैं। तो ये LEDs है, ये मतलब जो हमारा प्लास्टिक है वो थोड़ा जला हुआ सा रहता है, तो ये LEDs को बहुत अच्छे तरीके से इस पर चिपक जाती है। तो चलिए ऐसे करते हैं हम सारी LEDs पे LEDs लगा लेते हैं, मतलब सारे पाउडर पे LEDs लगा लेते हैं। तो ये देख सकते हो दोस्तों, हमने सारी खाली पाउडर के बॉक्स पर LEDs लगा ली है और ये काफ़ी कमाल की लग रही है। अब हमको एक काम और करना है। देख सकते हो हमने सिंपली कटर लिया है और जो इसके ऊपर का जो ये रैपर है इसको सिंपली हमको हटा लेना है, जिससे ये हमारी जो लाइट है वो और भी ज़्यादा ग्लोइंग चलेगी। तो चलिए हम सारे पाउडर्स के डब्बे पर इनको हटा लेते हैं।
ये देख सकते हो हमने जितनी भी इस पे प्लास्टिक की रैपर थे ये सब हटा लिए है, और देख सकते हो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है। फ्रेंड्स ये जो प्लास्टिक के खाली डब्बे है ये अब हमारा ट्रांसपेरेंट टाइप में काम करेंगे, सिंपली हमारी जो लाइट जलेगी तो ये हमारा जो पूरा डब्बा है वो ग्लो करेगा। फ्रेंड्स आप जरूरी नहीं कि आप पाउडर का खाली डब्बा ही लो, आप कोई और दूसरा डब्बा भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स सब हम जला कर देख लेते हैं, ये रात में और भी ज़्यादा ग्लोइंग जलेगी। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने पूरा अंधेरा कर लिया है, अब चलिए इसको हम जला कर देखते हैं कि कैसे जल रही है। तो ये देखिए दोस्तों ये काफ़ी कमाल की लग रही है, ये देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से ही जल रही है। ये देख सकते हो इसमें एक पाउडर में मतलब एक पाउडर के डब्बे में थोड़ा सा पाउडर भी है, इसको मैं बाद में खाली कर लूँगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको सारा पाउडर खाली कर लेना है। बट फ्रेंड्स देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है ये हमारी LED झालर। फ्रेंड्स ये दिवाली का बेस्ट दिवाली डेकोरेशन लाइट है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग जल रही है। ये सारी जो लाइट है हमारी बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग जल रही है, और जो ये हमारा बॉक्स ट्रांसपेरेंट होने के कारण जो हमारी लाइट है वो और भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए सारी जगह ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस मतलब रोशनी ही रोशनी कर रही है। देख सकते हो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से जल रही है, तो आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हो, मतलब किसी भी दीवार वगैरह पे वॉल वगैरह पे इसको लटका सकते हो, उसको सजा सकते हो, डेकोरेशन के काम में ले सकते हो। और फ्रेंड्स ये हमारी एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट से बनाई हुई लाइट है, काफ़ी ज़्यादा कमाल की बनी है ये लाइट। फ्रेंड्स आप भी इसे घर पर बना सकते हो, एक बेस्ट आइडिया है दिवाली डेकोरेशन लाइट के लिए। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।